युवराज सिंह और गौतम गंभीर ने बताया कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत के लिए कौन तीन खिलाड़ी गेम चेंजर हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है और रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वह तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बने। तो आप भी चाहते हैं भारतीय टीम चैंपियन बने तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा कि भारतीय टीम में कई स्टार खिलाड़ी है जिनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुमन गिल, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी शामिल है, लेकिन इस बार कौन तीन खिलाड़ी भारत के लिए गेम चेंजर बनेंगे उनके बारे में युवराज सिंह ने बताया है। हैरानी की बात यह रही कि युवराज सिंह ने गेम चेंजर के रूप में जिन खिलाड़ियों का चयन किया है उसमें उन्होंने गिल, कोहली या रोहित शर्मा का नाम नहीं लिया है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम अंडर रैंकिंग में अभी नंबर वन पर है और उसे इस वर्ल्ड कप के लिए बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा है जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी। इसके शुरू होने से पहले पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने बताया कि कौन खिलाड़ी इस बार भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। युवराज सिंह के मुताबिक जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा इस बार टीम इंडिया के लिए बड़े गेम चेंजर होंगे। उन्होंने हर्षा भोसले द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गौतम गंभीर के साथ बात करते हुए यह बात कही। जी हां दोस्तों, युवराज सिंह ने कहा कि इस बार मेरे लिए जो गेम चेंजर होंगे वह बुमराह, सिराज और जडेजा है। इसमें बुमराह और जडेजा के पास अनुभव है तो वही सिराज ने पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से गेंदबाजी की है वह कमाल का रहा है। वही जब गंभीर से पूछा गया कि आपकी नजर में गेम चेंजर कौन होंगे, उन्होंने बुमराह और सिराज का नाम तो लिया लेकिन जडेजा की जगह उन्होंने रोहित शर्मा को पिक किया। गंभीर ने कहा कि रोहित शर्मा इसलिए क्योंकि विकेट आपको ऐसी मिलने वाली है जहां आपको बहुत अच्छी बैटिंग विकेट मिलेगी और रोहित शर्मा जिस तरह की फॉर्म में है तो वह काफी रन बनाएंगे। युवराज सिंह ने भी रोहित शर्मा की तारीफ की और कहा कि सबको पता है कि वह महान बल्लेबाज है और काफी कुछ कर सकते हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा अपना दूसरा वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे तो वही सिराज अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप खेलेगा। आपका गणित क्या कहता है, टीम इंडिया का गेम चेंजर कौन होगा, अपनी बात कमेंट में रखें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।